नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं फ्रेंड्स कि आप लोग अपना पैन कार्ड एक घंटे के अंदर किस तरह से बनाएंगे। वो पूरी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, वो भी रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक सारा प्रोसेस मैं आप लोग को ये दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत परेशानी हो सकता है। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो आप लोग पहले UTI के माध्यम से आप लोग अपना पैन कार्ड बनाते थे, अब आप लोग अपना पैन कार्ड UTI के माध्यम से नहीं बना पाएंगे, वो आपको बनाना पड़ेगा NSDL के माध्यम से, वो भी EKYC के माध्यम से। अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा है तो OTP जाएगा, और नहीं जुड़ा है तो फिंगर के माध्यम से जो है आप लोग पैन कार्ड बना पाएंगे, वो भी एक घंटे के अंदर। किस तरह से, वो सारा प्रोसेस मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इसका जो डैशबोर्ड है, इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ओके, लॉग इन करने के बाद उसके बाद चलिए पूरा प्रोसेस बताता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स लिखा हुआ मिलेगा NSDL EKYC पिन। सिंपली से यहाँ पे नीचे आएंगे OTP और बायोमेट्रिक न्यू CR पिन। ओके, तो सिंपली से आपको यहाँ पे क्लिक करना। चलिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना है, इससे पहले का प्रोसेस है ये सब। ओके, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स में आपको यहाँ पे क्या करना, टाइटल में आप कुमारी डालना चाहते हैं या श्री लगाना चाहते हैं, जो भी है अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डाल देंगे, उसके बाद फर्स्ट नेम डाल देंगे, अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ अपना आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जनरल अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो आपका पैन कार्ड पे नाम जो है प्रिंट होके आएगा वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद नीचे आएंगे, अगर आपका कोई अदर नेम और है तो यहाँ पे लगा सकते हैं, यस पे क्लिक करेंगे। अगर अदर नाम है, नहीं है तो नो पे क्लिक करने देंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करना। चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे पेरेंट डिटेल्स में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप लोग अपने पैन कार्ड में फादर्स का नेम लेना चाहते हैं या मदर्स का, तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे, नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फादर्स का नेम जो है सो यहाँ पे डाल देंगे। ओके, और यहाँ पे जो है सो फादर्स का लास्ट नेम डाल देंगे, फर्स्ट नेम डाल देंगे, और यहाँ पे री इंटर वही डाल देना है, लास्ट नेम और यहाँ पे फर्स्ट नेम फादर्स का। ओके, उसके बाद यहाँ पे मदर्स का लास्ट नेम और फर्स्ट नेम डाल देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे री इंटर मदर नेम में आपको क्या करना, फिर से मदर्स का लास्ट नेम और यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देना है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा पेरेंट्स नेम टू प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कौन से पेरेंट का, जैसे माता या पिता का पैन कार्ड पे नाम चाहते हैं, तो यहाँ पे चलिए फादर्स पे क्लिक करने देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अपना पैन कार्ड जो है सो फिजिकल मूड से मंगवाना चाहते हैं अपने घर पे, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक रहने देंगे। ओके, तो यहाँ पे यस कर देंगे क्योंकि आपके घर पे फिजिकल के द्वारा भी आपका पैन कार्ड पोस्ट ऑफिस के द्वारा घर पे आएगा। ओके, उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे नो पे क्लिक कराने देंगे, नो इनकम पे। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक ये सारा डिटेल्स फिलअप हो जाएगा। ओके, ये रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल्स डालेंगे वो सही सारा डिटेल्स यहाँ फैच कर लिया जाएगा। और यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालना, जस्ट नीचे आना है और यहाँ पे अगर ऑफिस का एड्रेस डालना चाहते हैं तो ऑफिस का एड्रेस डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना, नो पे क्लिक करने देना और नेक्स्ट पे क्लिक करना। ओके, तो चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे आपको एरिया कोड और एरिया टाइप और रैंक कोड और AO कोड नंबर मांगा जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना सिटीजन सेलेक्ट करना है, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सिटी अपना सेलेक्ट कर लेना, नीचे में यहाँ पे सारा डिटेल्स आ जाएगा, वो यहाँ पे फिलअप कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आधार कार्ड ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पे अपना प्लेस सेलेक्ट कर टाइप कर लेंगे और यहाँ पे डेट जो जिस डेट में अप्लाई कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हैं जैसे मैं वहाँ पे क्लिक किया तो वहाँ पे बताया जा रहा था कि आपका पेमेंट जो है सो फाइनल नहीं हुआ, यानी कि पेमेंट जो है सो सक्सेस नहीं हुआ, इसीलिए जो है सो अभी आगे की प्रोसेस नहीं होगा। तो आगे की प्रोसेस जो होगा मैं आप लोग को बताया, आगे की प्रोसेस आपको क्या किया जाएगा, वहाँ पे पूछा, जैसे आप लोग आगे की प्रोसेस करेंगे सबमिट करेंगे तो वहाँ पे पूछा जाएगा अपने OTP के माध्यम से वेरीफाई करना चाहते हैं आधार कार्ड या फिंगरप्रिंट के द्वारा। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, आधार OTP पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपके आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आधार नंबर फिर से डालना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो है रिसिप्ट आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग जो है सो NSDL के द्वारा जो है सो EKYC पैन कार्ड जो है सो मात्र एक घंटे के अंदर जो है सो बना सकते हैं, वो भी एक घंटे के अंदर या दो घंटे के अंदर आपके ईमेल आईडी पे जो सो पैन कार्ड भेज दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और 12 से 15 दिन में आपके घर पे पैन कार्ड आ जाएगा। तो इस प्रोसेस में आप लोग अपना पैन कार्ड जो सो अप्लाई कर सकते हैं और इस प्रोसेस में आप लोग अपना पैन कार्ड एक घंटे के अंदर बना सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।